को पावन अपनी हाथी से कृष्णाए वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ अहोभाग्यशाली कल्याणकारी देवियों प्रभाजी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों और रल मिल के अपने मन को एकाग्र करें और अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में जोड़ दें। भगवान तो हमें तारना चाहते हैं, ऐसा अच्छा वातावरण तैयार कर दिया जिससे जीव का मन पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाए। जहां गुण चाहिए भगवान वैसा अपनी अपार कृपा से बनाते चले जा रहे हैं। अब ये प्रसंग जो जारी है गीता का भक्ति योग हम सबके लिए बहुत कल्याणकारी, प्रभु कृपा करे मैं पूरा समझा सकूं जैसा भगवान चाहते हैं कि ऐसा समझा दे, ऐसा ही समझा सकूं और आप पूरा रूपेण इसे फिर जीवन में उतार सके। जैसे भक्ति का कल हमने अर्थ लिया था, जिसका मन विभक्त नहीं है वो है भक्त। कितना अच्छा अर्थ लगाया अपने महापुरुषों ने, विभक्त मैंने टुकड़े नहीं है। हुज माइंड इज नॉट डिवाइडेड, एकाग्र रहना, हुज माइंड इज नॉट डिवाइडेड इन टू सो मेनी पार्ट्स इज कॉल्ड भक्त। जिसके मन के टुकड़े नहीं हुए संपूर्ण मन एक ही जगह है उसको भक्त कहते हैं। भले वो देश में लगा हुआ हो देश भगत, माजी में लगा हुआ और कई टुकड़े नहीं हुए, एक माँ में लग गया मातृ भगत, पिताजी में लग गया पितृ भगत। भक्ति तो कई प्रकार की है ना, और तो वही रहेंगे जिसके मन के टुकड़े नहीं हुए, विभक्त नहीं है। बच्चे जो विभक्त नहीं वो भगत, समझाइए अपने आपको। जो विभक्त नहीं, विभक्त मैंने डिवाइडेड, टुकड़े नहीं जिसके मन के हुए, यहां दिया आपको थोड़ा सा इसके साथ उसके साथ उसके साथ उसके साथ, ऐसा नहीं किया जिसने सारा अपना मन एक जगह केंद्रीभूत कर दिया, यानी सेंट्रलाइज्ड ओनली एट वन प्लेस एंड वन पर्सनैलिटी, उसको भक्त कहते हैं। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, जैसे मुझे समझाया गया मैं वैसे ही समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। जिसने अपने मन के टुकड़े नहीं होने दिए, जो हो गए थे इकट्ठा कर लिया, जोड़ लिया, भगवान में लगा दिया, तो ये हम हरि भगत कहलाएंगे। जिसने मन में लगा दिया पूर्ण जैसे, तो मातृ भक्त पितृ भक्त कहलाए, भगत सिंह जैसे देश भगत कहलाए, परिभाषा वही रहेगी। जिसने अपने मन के टुकड़ों को जोड़ करके एक ही जगह लगा दिया, भ्रातृ भक्त कहलाए भरत जैसे, हाँ एक ही जगह जोड़ दिया चार ओर से इकट्ठा करके, ठीक देख लीजिएगा। मातृ भगत पितृ भगत हमें मिलती है अपने देश के अंदर, और आप लोग हैं क्या हरि भगत, अपने मन को चार ओर से हटा करके एक में तलीन करके कल्याण करना चाहते हैं, अपनी भलाई करना चाहते हैं। उनको तो पक्का करना पड़ेगा कि मां भगवान का रूप है, अच्छा पिता भगवान का रूप है, अच्छा गुरु भगवान का रूप, उनको यह भावना बनानी पड़ेगी तब वो भगवान की जात से तलीन होंगे। आपको भावना बनानी नहीं, रुकिनाथ है मेरे इष्ट देव है, वहां तो बनानी पड़ती है, मातृदेवो भाव पितृदेवो भाव आचार्य देवो भाव, ये बनानी पड़ती है या बनी बनाई है। बचपन से ही मां बाप ने हमारे मन में बिठा दिया है हमारे ये इष्ट देव है, हमारे भगवान है, हमारे अवतारी भगवान है। इन्होंने अवतार लिया हमारे कल्याण के लिए, धर्म के उत्थान के लिए आए, हमारे कल्याण के लिए, धर्म के उत्थान के लिए।
हमारी रग रग में ये बात माँ बाप ने डाल दी है। हम ऐसे अच्छे घराने में उत्पन्न हुए थे, ये उसका भक्ति, ये भक्ति हो गई। ये बाप ने देखना है। मैं तो समझा सकता हूं, बता सकता हूं, प्रेरणा दे दूंगा आपको, करना धरना आपने है, कोई दूसरे के लिए कर नहीं सकता। भगवान ने नियम ऐसा बना रखा, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, नियम ऐसा। इसमें मैं अगर आपके लिए करता तो दिलो जान से कर देता, दिन मेरा है, रात मेरी है, मैं आपके लिए दिन रात लगा रहता, लेकिन प्रभु का नियम ही ऐसा है, अगर मैं किए जा रहा हूं तो अपने लिए किए जा रहा हूं, अपने पर प्रभाव पड़ जाता, और आप करेंगे अपने अपने आप को ठीक बना लेंगे। तो कल हमने जान लिया, जिनका मन केवल एक में लगा हुआ है उसके कोई लक्षण भी समझिए। लक्षण क्या होती है? संसार संबंधी, अगर मैं और आपने दोनों हम कल्याणकामी जीव हैं, कल्याण चाहते हैं, एकाग्र रहना मेरी देवियों मेरे सज्जनों, मैं भी बोलने के लिए नहीं बोलता, आप सुनने के लिए नहीं सुनते, हम कोई वक्त गुजारने नहीं आए बल्कि जीवन का कल्याण करने आए, कुछ बनाने आए हैं, अपने परलोक को ठोस रूप में बनाना चाहते हैं, पर आपका दिल दो दिन करता या आने का चार दिन फिर घबरा जाता, हम जाते हैं, पर आप लगे हुए हैं, हाय, तो देखना है। अगर पूर्ण प्रेरणा भगवान के प्यारे बन चुके और हमने मन भगवान को लगा रखा है, उसके कुछ लक्षण बताए हैं हमारे महापुरुषों ने, व्यास जी ने, क्या लक्षण? फिर संसार संबंधी संकल्प विकल्प नहीं उठते होंगे। अच्छा, जैसे विकास होता है ना बच्चे, अगर वृक्ष विकास कर रहा है तो पहले कोपल फूटी होगी, फिर कोपल मोटी होती जा रही होगी, फिर ऊपर पत्ते भी आए होंगे, फिर पत्ते बढ़ते जा रहे होंगे, तो हम समझेंगे वृक्ष का विकास हो रहा है, पौधे का विकास हो रहा है। कुछ लक्षण होते हैं जिसका विकास होता है देवियों, या डेवलपमेंट होती है जो होता है। मेरे बच्चे का विकास हो रहा है, कहीं को रुक जाता है, डॉक्टर साहब बच्चा 1.5 साल का हुआ, लगता है 6 महीने का, हाँ इसका विकास नहीं हो रहा, उम्र बढ़ती जा रही लेकिन अंगों का विकास नहीं हो रहा, भुजाओं का, जांघों का, पीढ़ियों का, सिर का, तो जो समय बढ़े तो विकास होना चाहिए। इसी तरह भक्ति का विकास होना चाहिए। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं जिसका विकास ना हो। है, डर के कहूं, अगर कोई प्राणी कोई पदार्थ विकास करना छोड़ दे मौत आ जाएगी। मौत आती भी तब है जब उसका विकास होना बंद होगा। वृक्ष सूख जाएगा अगर उसका विकास नहीं हो रहा, एक घास का पत्ता सूख जाएगा अगर उसका विकास नहीं हो रहा, शरीर हमारा मौत के मुंह में चला जाएगा अगर किसी अंग का विकास नहीं हो रहा, अगर शरीर विकसित नहीं हो रहा। प्रकृति का नियम है ग्रोथ, बर्थ के बाद ग्रोथ होनी चाहिए। जन्मना, देखिए ये स्टेजेस कैसे रब ने बनाई है, जन्मना ठीक, बढ़ना ठीक, घटना ठीक, मर जाना, ये 4 स्टेज है हर एक प्राणी पदार्थ की जिसको भगवान ने प्रकट किया है। जन्मना बिल्कुल, फिर बढ़ना लगातार बिल्कुल, फिर अपने आप ही घटने लग जाना और मर जाना। ये 4 स्टेज याद रखना, जन्मना, बढ़ना, घटना और मरना। अंग्रेजी बोलू तो ग्रोथ, पहले बर्थ, हाँ बर्थ हुई, फिर ग्रोथ बिल्कुल, फिर डीके, फिर डेथ। एक घास के तिनकों की देख लो, वो इसी ईयू विकास कर रही है, जन्मा, जन्म से बढ़ता गया, घटने लग गया, मर गया। सूर्य को देख लो, उदय हुआ था, बढ़ता गया, घटने लग गया, अब ये तो बकवास नहीं करते, मर गया, क्या हो गया? अस्त हो गया, कहीं और चला गया। किसी भी चीज को आप ले लो, चंद्रमा को ले लो, हाँ आज तिथि है, चतुर्थी है, 25 का मतलब ग्रोथ होती जा रही है, आज पूर्णिमा है, पूरा ग्रोथ हो गई, लो आप घटने लग जाएगा, आखिर में क्या, लोप ही हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा। हर जिधर भी आप नजर मारेंगे तो आप भक्ति है, हा या तो हम जन्म से भगवान के भक्त होते, नहीं भक्ति प्रकट हुई है हमारे में तो उसका विकास होना चाहिए। ध्यान देना, देयर मस्ट बी डेवलपमेंट डे बाय डे, ये नहीं कि एक ही जगह रुक जाए, कभी नहीं, जो रुक जाएगी उसकी डेथ हो जाएगी, आप फिर भक्ति छोड़ देंगे। अगर भक्ति का विकास नहीं होगा तो आप समझिए कि फिर कुछ नहीं हो रहा। अगर गाड़ी एक ही करनाल स्टेशन पर खड़ी है तो समझिए गाड़ी चल नहीं रही है, घंटा हो गया, उतरिए गाड़ी नीचे, पूछिए क्या बात, क्या बात है, आगे एक्सीडेंट हो गया, वो लाइन क्लियर होगी, कुछ आधा घंटा और लगेगा तब इसी लाइन पे गाड़ी जाएगी। अच्छा ये क्यों खड़ी है, कोई खास गड़बड़ हो गई,
उन्होंने गाड़ी को चलना चाहिए। अगर आप भक्ति बाढ़ नहीं रही तो आगे पीछे देखिए, पूर्व और अपर बोलती है, देखिए जरा ध्यान क्यों नहीं मेरी भक्ति बाढ़ रही, और अगर बढ़ रही है तो फिर ये देखिए संसार का संकल्प विकल्प तो नहीं आता, विकास हो रहा है। एक, जाप में दिन ब दिन रस आता जा रहा है क्या? नंबर दो, विकास हो रहा है, मान जाइए फिर विकास हो रहा है। अगर जब आप जाप पर बैठती हैं, प्रातःकाल उठते हैं, फिर एक विशेष प्रकार का उल्लास, बड़ा प्यारा शब्द है अपने ऋषियों का, उल्लास, डबल ला, आधा ला पूरा ला, उल्लास, अच्छा उल्लास महसूस होता है अंदर, अच्छा ऐसी खुशी जो मां से नहीं मिली, पिताजी से नहीं मिली। उल्लास इसे कहते हैं बेटे, मां से भी खुशी मिली थी पर ऐसी नहीं जो जाप में मिल रही थी। पिताजी से खुशी मिली जब चूमा चाटा और उन्होंने हमारी मांगे पूरी की। बहन भाइयों से खुशी मिली थी, पति पत्नी को आपस में खुशी मिलती है, यारों दोस्तों से मिली, कमाई से मिली, पर ये जो भगवान से मिल रही है ये कहीं से नहीं मिली, इसे उल्लास बोलती। ऐसा अनुभव आप करती कि ये खुशी, ये प्रसन्नता जो आपको मिल रही है सत्संग से, भगवान के जाप से, प्रातःकाल उठकर भगवान के श्री चरणों में हाजिरी देने से, ये खुशी हमें कहीं से नहीं मिली। तो समझिए भक्ति का विकास हो रहा। अगर आपके दिन प्रतिदिन सपने बंद होते जा रहे हैं और आपको गहरी नींद आती है, समझिए भक्ति का विकास हो रहा, क्योंकि भक्ति तो मन ने करनी है और मन लेटते ही जाप करते करते तलीन हो जाता है। इसका मतलब कोई सपना नहीं आता, कोई अरमान नहीं रहा, आए खाए कोई इच्छा नहीं रही आपके अंदर, इच्छाएं अरमान ही सपने बनाती हैं। वाह, सपने भी हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, बताती हैं कि आप कितने पानी में हो। अच्छा, अगर संसार के सपने आते हैं तो अपने आप को रॉन्ग जज मत कीजिए, सपने बताएंगे कि आपकी आंतरिक अवस्था क्या है। सपने से तो पता लगता है, या जब आपके पास कोई भी ना हो और आप अपने कमरे में बैठक में एकांत बैठी हुई हैं, बिल्कुल अकेले, हाँ अचानक देखिए मेरा मन कहाँ है, अब आपको पता लगेगा मैं मेरी अवस्था क्या, क्या मन भगवान के साथ है, क्या भगवान का चिंतन चल रहा है। व्हेन ऑल अलोन, यानी बिल्कुल आप सॉलिट्यूड में है या लोलीनेस में है या एकांत में है, अचानक देखिए मेरा मन कहाँ है। ये अगर सीख भक्ति है तो मन भगवान में रहेगा, जब मन ही खट्टा हो गया चारों ओर से फिर कहां जाएगा। और अगर मुशक्कत करके पकड़ना पड़ता है, अभी भक्ति का रंग नहीं चढ़ा, अपने आप को रॉन्ग जज मत कीजिए। अच्छा, जो पुराने हमने विषय लिए थे, आंखों के विषय अलग थे, कानों के विषय अलग थे और बाकी अंगों के विषय थे, ये वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स या संसारिक विषय, उनके लिए मन तो कभी ललायत नहीं हुआ, कभी मन ने चिंता तो नहीं किया, किसी रूप का चिंतन तो नहीं हुआ, कि शिमले की वेल्ट सीनरी का चिंतन तो नहीं हुआ, कभी आप कश्मीर गए हो, शिमले गए हो, या कभी कोई और सीनरी देखी हो, या किसी का चेहरा देखा हो, या किसी के साथ प्यार करते रहे गए, ख्यालों में तो नहीं आता। हाय, इसलिए कानों द्वारा कोई ऐसे गंदे मंदे गीत सुने हो, सिनेमा संबंधी, लोक संबंधी, अब वो तो नहीं कोई लाइन आती सामने, या वो तो नहीं आप गुनगुनाती रहती, नहीं, कैसे महापुरुषों ने गहराई में जाकर के हमें बताया है भक्ति का विकास कब होता। मुझे केवल प्रकाश डालना है और आपको अपने मन में रख लेना, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सब कुछ हमारे महापुरुषों ने किया है। जैसे माँ आपके भोजन तैयार रखती है आपके दफ्तर के आने, स्कूल आने से पहले, आपके माँ जी आपके 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 दुकान आने से पहले सब चीज तैयार है, रेडी। इस तरह ऋषियों ने गौर तप करके हमारे लिए सब चीज रेडी कर दी है, हमें समझना गए और मन में रख, जैसे माँ के पास बैठना गए और भोजन प्रेम से एक एक ग्रास करके ले लेना है, इस तरह समझ के फिर उसे अपना लेना है, वह इतना ही करना है। बहुत कुछ तो उन्होंने हमारा कर दिया है, बहुत कुछ किया, हमें तो बहुत थोड़ा करना, जैसे मैं देख रहा हूं हमें बहुत थोड़ा करना है, बाकी सब कुछ मां ऋषियों ने, जिनके हम बच्चे हैं, जो जिनके हमारा गोत्र है, बहुत कुछ कर दिया। समझिए और कीजिए, पुराने विषय तो नहीं आते, अभी तो नहीं दिल करता पुरानी साड़ी पड़ी इधर पहन लू और पहन के शीशे के सामने खड़ी हूं मैं कैसी लगती हूं, ये तो ख्याल नहीं आता कभी। अगर आता है तो मन कच्चा है, अभी कैसी गहराई में गए हैं वो,
या कुछ चीजें आपको बड़ी अच्छी स्वादी लगती थी खाने में, कभी दिल कर पड़ता है कि वो फला चीज कई दिन हो गया मैं बना लेती तो मन कच्चा है। अगर दिल कर रहा है कि इस प्रकार की चीज में बना लेती, कुदरती रूप में बन गई वो, अच्छा दिल करके मन करके बना लेती ना कच्चा मन। वैसे कुछ चीज है ठीक है, लेकिन नोइंगली एंड डेलिबरेटली अगर आप प्रिपेयर करती कोई चीज, इसका मतलब देख लीजिए आप अपने जख्म फिर हारे कर रही है, जख्मों को टांके फिर आप, अच्छा शब्द महापुरुषों ने कहा जख्मों के टांके आप फिर खोल रहेंगे, फिर जख्म हरा हो जाएगा। टांके तो लगाए जाते हैं जल्दी मांस आपस में मिल जाए, अगर हम टांके डॉक्टर साहब ना लगाते तो जिस जख्म को मिलने में 4 दिन लगने हैं उसे शायद 10-12 दिन लग जाएंगे। जख्म ये दोनों यूं मांस मिला दिए गया टांके लगा के तो आपस में जल्दी मिल जाएंगे, तो अगर खुले रहेंगे तो इतना मांस आने में देर जाएगी। तो अगर आप फिर पुराने विषय में चिंतन करते हैं समझिए कि मैं अपने जख्म के टांके फिर खोल रही हूं हरे कर रही हूं। उनका चिंतन नहीं होना चाहिए, जब छोड़ दिया। कितनी अच्छी कहावत है, जिस जाना ने गांव उसका पूछना की नाव। जब इनको दुखदाई समझ के छोड़ ही दिया फिर इनका चिंतन क्यों, अपने को धोखा देना। जिस गांव में आपने नहीं जाना क्यों पूछ रहे हैं ये गांव, उस गांव में पगडंडी कौन सी जाती है, वो दक्षिण की ओर है या कुछ उत्तर की ओर है, वाई आपने जाना है नहीं, फिर उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ मूर्खता है मेरी। जिनको आप दुख भरा समय के छोड़ चुके हैं फिर भगवान के शब्दों की क्यों बेकदरी कर रहे हैं। सुनी बात से भी करे इतराज रहे अनसुनी से भी तू, फिर से बेकदरी होगी अपने प्रभु के शब्दों की। और अपने वैराग को कच्चा करने वाली बात है, वैराग को कच्चा करने वाली बात है, उनका चिंतन ही नहीं करना। शाबाश, तो भक्ति का विकास हो रहा है। कितने अच्छे लक्षण बताए थे, माँ बाप की बातें हो रही हैं, कोई रिश्तेदार मामा जी आ गया या पिताजी की ओर से कुछ भाई आ गया चाचा आ गया उनकी बातें हो रही हैं। हाँ आपका दिल देखिए कहाँ पकड़ा व्यास जी ने, घर में अचानक आ गया, आपके आते रहती हैं हमेशा खुले घर में कोई ना कोई तो आएगा ही। हाँ पुराने रिश्ते आएंगे माँ की ओर से पिताजी की ओर से आएंगे। हाँ मन को देखो बैठेंगे वो भी आए, आपका मन उनकी बातों में रस ले रहा है या कि अब 2 मिनट बैठ के उठ गए। भला हो व्यास जी आपका बहुत भला। अगर आपका मन उब गया है मैंने क्या लेना देना, माँ जाने में पिता जाने, शाबाश आपकी भक्ति का विकास हो रहा। और अगर बैठ के आप घुट भर रही हो तो फिर समझिए मेरी भक्ति कच्ची है, उनकी बातें सुनने में आपको रस आ रहा है, समझ आइए अपने आप को, ओवर जज मत कीजिए कि मेरा मन अभी कच्चा है, कमला मन रस ले रहा है। नहीं तो भगवान ने कभी ना कहा होता जो हो अकल आजाद निकल जाए तू मुंह की जाग। इस तरह अपने आप को देखने मेरी भक्ति का विकास हो रहा है या नहीं, और कौन बताएगा आपको कि भक्ति का विकास हो रहा है या नहीं, इन्हीं बातों से तो पता लगता है। दिल कर गया नहीं मैं नहीं, मैंने क्या लेना देना, छोड़ पड़े मां जाने मेरे पिता जाने। खाब खा बीच में बैठ के आप सुन रही हैं और आपका मन रस ले रहा है तो गंदी बात हो गई। ये कुछ लक्षण है भक्ति के विकास के। इस तरह हम ले रहे थे भगवान के, जब ऐसी अवस्था बन जाती है, जाप में रस, सत्संग में रस, श्री गीता जी के पढ़ने में रस, जो गुण भगवान ने 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक बताया उनको अपनाने में एड़ी चोटी का आप जोर लगा रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़े जितनी भगवान ने आपको शक्ति प्रदान की है, रस लगे हुए हैं, तब जो कल का प्रसंग पूरा हो गया, क्या मेरा भक्त हर काम मेरा, तब मेरे भगवान कहेंगे, तब आपके इष्ट देव जी कहेंगे आप भगवान के भक्त हैं। आपको भगत कहलाने का कोई शौक नहीं, अगर होता तो भगवान आपको या ना आने देता, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। देवी अगर भक्तानी कहलाने का शौक होता तो भगवान आपको यूं निकाल देते सत्संग से जैसे कि हम दूध में से माल निकाल देते। 4 दिन आते भगवान आपको यह मौका नहीं देने देना, मैं नहीं, मेरा नहीं मन लगता इन बातों में, भगवान मन तोड़ देते। आप आ रही है इसका मतलब आप यथार्थ रूप में अपना कल्याण किया चाहती हैं, आप टू द ट्रू सेंस आप अपने कल्याण करना चाहते हैं, शाबाश। तब भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है, जिसकी आंतरिक अवस्था ये बनती जा रही है, जिसकी अंदर की हालत ये बन रही है। ठीक जज करना अपने आप को,
हम भगत कहलाने का शौक जरा भर नहीं रखते, हमारे मन में भगत बनने का शौक है। वो दिन भगवान करे हमारी जिंदगी में कभी ना चढ़े जब भगत कहलाने का शौक पैदा हो। वो नीच है, दुराचारी है, लंपट है, भगवान की नजरों में गिर जाते हैं जो भगत कहलाने का शौक रखते। पखंडी हो गए ना, हमारे एक एक रोम बोले कि हमें भगत बनने का शौक है। परमात्मा करे हमारे में ऐसा कोई भी ब्लैक शीप ना आए पर भगत कहे। शर्म आए अगर कोई भक्तानी कहे तो रहने दे, तू मेरा नाम लेके पुकार लिए कर, ये शब्द फिर ना कह दे, पुकारा कर कुशल्या, भगत कहलाना बड़ा आसान है, तू मुझे ना कहा कर, ये मैं जानती हूं कि भगत बनना कितना अच्छा। सिर्फ सत्संग में जाने में कोई भगत थोड़ा बन जाता है, तो जो पुराना कुछ मिट्टी पाई वो निकल जाए, भगवान के गुण आ जाए, तब मनोरमा कोई भगत बनता है। अच्छा अभी तो मैं कर रही हूं, ऐसे शब्द ना कहना, अच्छा आगे से नहीं कहूंगी, मेरा नाम लिया कर, भक्त ना कलवाया करो, भक्तानी ना कलवाया करो, वो कहता है हाथ जोड़ लो, उसके पैर पकड़ लो, वो आज आपने मुझे भक्त कहा कल ना कहना, मेरा नाम जो मनोरी है मनोरी कह दिया कर, अच्छा मैं नहीं कहूंगा। भगत तो हम तब है जब जिसके लिए भक्ति कर रहे हो वो कहे वही है मेरा भक्त, भगवान कहे ना। अगर हमने दुनिया से कलवा, दुनिया वाले तो बुद्धू, उनको क्या पता, उनको सत्संग में आते हुए चला भक्त बन गए, ऐसे थोड़े कोई भक्त बन जाता है, एड़ी चोटी का जोर मारता अंदर निर्मल हो जाता है, ये गुण अंदर आ जाती है, तब भगवान की प्रेम भरी नजरें आपकी ओर होती है। तब भगवान ने कल कहा था मत भक्ता, वो मेरा भक्त है। परमात्मा करे ऐसा ही। चलो आगे, गीता का भक्ति योग, और भक्ति बढ़ती बढ़ती कहां जाती है, कहां निकलेगी, पत्ते का, पत्तों का अगर विकास हो रहा है तो बूर बन जाएगा, बूर निकल आएगा बीच में से। कभी देखा करो आम के वृक्ष को कैसे पत्तों में से बूर निकल आता है, बस बूर ही रह जाए फिर तो ये वृक्ष किसी काम का नहीं, एकाग्र हो जाना मेरी देवियों। बूर से क्या निकलेगा, फूल निकलेंगे, है तो विकास हो रहा है, लो थोड़ी देर बाद फूल से छोटी छोटी अंबी निकलेगी, छोटी छोटी, फिर उस अंबी का विकास होता जाएगा। ध्यान से देखो, हम कहते ठीक है हमारा वृक्ष बड़ा शानदार है, अब आप यहां तक पहुंच गए, आपका अवस्था ये बन गई, भगवान के भक्त बनने लगे और मन पूर्ण फिर महाराज जी में लग गया, तो भाई इतने में ही बस नहीं, आज कह रही है संग वर्जिता, भक्ति बड़ी आगे, गाड़ी चली करनाल से, चली आगे पानीपत सोनीपत स्टेशन पर पहुंची, अगर वो हरकत में है, मोशन में है, एवरी दिन स्पीड स्पीड में जा रही है तो अगला स्टेशन आएगा, गुड। इस तरह अगर हम अब साधना की जा रही है, भगवान जी की दिव्य भक्ति मेरी देवियां कमा रही हैं, अगला स्टेशन क्या है, संवर्जिता, क्या जिनको हम अपना समझते थे, और एकाग्र हो जाओ मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, सारा दिन बीत जाता है ये बातें कोई नहीं सुनाता, ऐसे सुनाने वाले कोई रिश्तेदार भी नहीं आते। आगे बढ़ी भक्ति हमारी और आगे बढ़ी, कहां गई, ये है गीता का भक्ति योग, जिनको हम अपना समझते थे, ये घर में मां बैठी है, ये घर में पिताजी बैठी है, ये अपनी बहने हैं, कई ब्याह गई हैं, कई ब्याहने वाली हैं, ये भाई हैं, कई ब्याह गए, ये दो भाई अभी पढ़ते हैं ब्याहेंगे, हाँ ये श्रीमती आ गई, ये श्रीमान जी आ गए, ये हमारे बच्चे हैं, इनको हम अपना कहते थे, मैं थे कह रहा हूं, यूज्ड टू, हाँ अब भगवान कह रहे हैं अगर भक्ति बढ़ गई है, मैं तो याद करवा रहा हूं आपको, मेरे लिए आसान रहा कि एक ही एक दमी दम हूं, आपके लिए कि ये अनेक चेहरे नजर आते हैं, माता जी है, पिताजी है, बहन है, भाई है, जो ब्याह गई हैं वो भी कभी कभी लाड़ प्यार करने आ जाती हैं, हाँ ये देख लीजिएगा, श्रीमान जी हैं, श्रीमती आपकी है, मेरी बात छोड़ो परे, एकला हूं ना, आपके अनेक आपको चेहरे नजर आती हैं, हाँ कई आपके साथ बहुत प्यार करती हैं, कई कुछ कम करती हैं, ये सारे घर के अंदर है, इनको हम अपना मानते थे, अब अगर भक्ति बढ़ गई है, भगवान कहती हैं संवर्जिता,
अपना मानना बंद कर देती हूं। तो क्या मतलब? अंदर से ही बात पक्की होने लग जाती है, जैसे मैंने कहा बूर में से फूल और फूल में से फल अपने आप निकलता है। ये परमात्मा का प्राकृतिक नियम है। है पत्तों में बूर, हाँ बूर में फूल और फूल से फल, ये अपने आप बन रहा है। इस तरह भक्ति अगर हमारी बढ़ती जा रही है, हम ठीक चल रही है, तो संग वर्जिता जिनको अब अपना कहते थे, अब उन्हें भगवान का कहना क्या शुरू करेंगे, पक्की बात। ये भगवान थे जिनको देखे बिना हम रह ही नहीं सकते थे, हमारे में बेचैनी होती थी, बेकरारी होती थी, अब नहीं। अब है तो अपने साथ ही, काया भी अपने पास है, चली नहीं गई, और ये माँ बाप बहन भाई इत्यादि ये भी हमारे अपने पास ही है, हाँ लेकिन अपनी छाप बंद हो गई है। ये सब भगवान के है, मैंने मांगे होंगे, मेरे भगवान ने उदार बनकर यानी ब्रॉड माइंडेड होकर ये मुझे दिए। इसे बोलते हैं संग वर्जी, उनकी अटैचमेंट खत्म हो जाती है, उनका मेरा मैं और मेरा पना खत्म हो जाता है। मैं और मेरा, मैं काया और मेरा, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे पति, ये मैं और मेरे का दायरा बढ़ता जाता है। और अब मैं और मेरे का दायरा नहीं, ये सब तेरे है मेरे मालिक, मेरी मूर्खता थी, मैं आपकी वस्तु को अपनी समझ करके अपने लिए एक विशेष प्रकार का जाल बुनता चला गया। ये आप ही के मेरे मालिक, ये है ही आप ही के। तो संग वर्जिता भक्ति बड़ी, पुरानी आसक्ति या अटैचमेंट छूट गई, क्या फूल फल बनने लगा, फूल फल बनने लगता। अच्छा आसक्ति जो है वो भगवान के प्रेम में बढ़ने लगी। ये सब कुछ भगवान का, मैंने आज भी छोड़ देना कल भी छोड़ देना, इनसे मेरा मैंने आज भी छोड़ दी तो कल आज मेरे प्राण पखेड़ी उड़ जाए, ये सब के सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बन जा रहा, ये सब के सब यही रह जाएंगे। ये सब ये बात पक्की हो गई होगी, अगर आप भक्ति भक्ति ठीक चल रही है तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, ठीक जुट रही है जाप में, भजन में, सत्संग में और अपने मनन में और अंतर्मुखता में, अगर आप ठीक चाल चल रही है तो क्या होता था, भगवान कहते संग वर्जिता, संसार की आसक्ति खत्म हो जाती है, आसक्ति प्रेम में बदल जाती है। मेरे तो मालिक के है, मैं तो आज भी छोड़ा और कल भी छोड़ा, हमारा जन्म लिया था कुछ लाए नहीं थे, शरीर छोड़ेंगे कुछ ले नहीं जाएंगे। जरा अंदर बिठा लो, जन्म लिया था लाए थे, हुआ हुआ करते हुए मां के पेट से बाहर निकले थे, और जाती बार सारे अंग अपना लंबे करते हुए जहां से चले जाएंगे। कितना अच्छा महापुरुषों ने हमें चेतावनी दिया है, जाएगा जब जहां से, इस संसार से जब हम जाएंगे कुछ भी ना पास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास, केवल दो गज कफन के मानो लिबास ही है, अपनी शर्म को ढांपने के लिए लोग ऊपर रख देंगे। जाए नंगे मनंगे आए, नंगे मनंगे जाएंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता नंगे मनंगे जाए तो, ऊपर कफन डाल देती है। कफन क्या है? शर्म का कपड़ा है, शर्म का कपड़ा, वह थोड़ा सा ऊपर डाला होगा, लोग ले जाएंगे, साड़ देंगे। ये भाव पक्का हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो समझिए भक्ति की डिवेलपमेंट होती जा रही है, भक्ति वैराग तक निकल गई। क्या मतलब? भक्ति ने मुझे सियाना बना दिया, भगवान की चीज को नालायक और मूर्ख बनकर मैं अपनी मान रहा था, मानो भगवान की अमानत में खयानत डाल रहा था। अब मेरी बुद्धि ठीक हो गई, अब अर्जुन की तरह मैं कह सकता हूं, पता चल गया दिल है मजबूत। मैं इतनी लाइन बोलू आगे नहीं, पता चल गया, पता मैंने असली ज्ञान मुझे मिल गया, जिससे क्या हुआ, दिल है मजबूत। अब जब यथार्थ ज्ञान मिल जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया मन पे पड़ती है। अच्छा जब यथार्थ ज्ञान मिलता है तो प्रतिक्रिया मन पे, क्या मन मजबूत हो जाएगा। अच्छा जब अज्ञानी होती है तो दुनिया की चीजों में मोह बढ़ाई जा रही है, और भी मोह का जाल बढ़ता है, और जब ज्ञान मिलता है तो मोह का जाल दिन प्रतिदिन कटता चला जाता। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो, इसलिए हमारे इष्टदेव जी ने, हमारे भगवान ने मेरी माताओं मेरी बेटियों हमें यूं पाठ दिया, फिर ये कट जाएंगे, दिन बुरे आए हो तो मोह का जाल बढ़ता जाता है, अगर हमारे दिन सुनहरी आए हो और हमने अपना परलोक बनाना हो तो हमारे ये बनाया हुआ जाल
कटता चला जाता है, और भी कम और भी कम और भी कम, और जितना ये जंजाल कट जाता है उतना ही मन अंतर्मुखी हो जाता है। जिनके साथ मन संलग्न था या अड़ा हुआ था उससे निकल गया। संवर्जिता हाय, अगर भक्ति द्वारा हम ठीक चल रही हैं, अपने मन निर्मल होता जा रहा है, मन एकाग्र होता जा रहा है, भगवान में दिन प्रतिदिन तल्लीन होते जा रहे हैं, जी 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 जी, अपना बनाया हुआ जाल खत्म होता जा रहा होगा। वरना आपका मन तो बड़ा नर्म है नारी चोले में, और कलयुग के नारी सतयुग की तो आप है नहीं ना, आप त्रेता की है, ये तो कलयुग है, कलयुग की नारी, और फिर नारी फिर पत्नी, फिर पत्नी साथ माँ भी है। ओए मेरे रब्बा, जो कुछ कमी होती है ना वो माँ बने, पर कुछ तो पहले तो हम बिगड़े जब नारी बने, अच्छा फिर बिगड़े जब के हम रिश्ता बने, किसी की बहन बने, किसी के कोई रिश्ता बने, फिर और बिगड़े जब पत्नी बने, फिर सबसे ज्यादा बिगड़े जब माँ बन गए। किस रूप में? परमार्थ रूप में। क्यों बिगड़े? इसलिए कि मोह बढ़ता जाता। इंसान कब बिगड़ता है? जिसकी अटैचमेंट या मोह बढ़ता। सुनो मेरी भगवान की बातें, इंसान कब बिगड़ेगा? कब जो हो, क्या जब जायल हुई अक्ल, जवाल कब होता है? जब हमारी अकल में मोह पड़ता जाता, जब हमने जन्म लिया हमारा पहला दिन बिगड़ा, जब आपने पहली बार माँ का माँ लो, हम और धड़ाम से गिरे, मेरे पिताजी, मेरी बैल, मेरे भैया, और बिगड़े हम, मैं का जाल बढ़ता जा रहा है, और बड़ा और अटैचमेंट। फिर जो कसर होती है वो शादी के बाद पूरी जाती है, जब दो शरीर आपस में बुरी तरह अटैच जाती है। आज तो शादी का मतलब क्या है? जैसे ये कागज है, ये गीता जी का कागज और ये गीता कागज, मैं मूर्खता से इस पे लेवी लगा के इनको बंद कर दूं, ये आज की शादी है। दो शरीर आपस में मोह की लेवी लगा के अटैच हो जाते हैं, जैसे इनके लिए मौत है ही नहीं, जैसे इनके लिए काल है ही नहीं। इतनी बुरी तरह पति पत्नी आपस में अटैच होते हैं कि जैसे काल कोई नहीं, हम अमर बूटी पी ली है। वरना दोनों मिले थे तो ऋषियों ने पहले कहा था, शादी हो रही, ये कौन है तेरी? मेरी पत्नी, पाप है। कहते ले पाप तेरा शुरू होने, तुमने कहा मेरी पत्नी, नहीं मेरी धर्म पत्नी। हाय ओ रब्बा मेरे, हाँ कितनी दूरदर्शिता से काम है, मेरे धर्म पति है, हम दोनों मिल करके परमार्थ बनाएंगे, तब तो आप बच जाती। जब आपने उसको इस दृष्टि से देखा, मेरे पति, मेरा आदर करने वाले, मुझे प्यार देने वाले, लो अब आप गिरते जाएंगे। जैसे बाल्टी जू जू अंदर जा रही है, कुएं के अंदर गहराई में जा रही है, जो आपने दृष्टि सिर्फ शरीर पे रखी है, तो हम देवी मुझे माफ कर दो, मेरे सजनों मुझे क्षमा करना, फिर हम गिरते जाएंगे। इसलिए ऋषियों ने हमारी लाज रखी, नहीं कोई रिश्ता हो तो धर्म को साथ रखो, ये मेरा धर्म भाई है। अगर आपका जन्म का पिता नहीं तो ये मेरे जन्म पिता है, जैसे मैं आपका धर्म पिता हूं। धर्म पिता जो आपको धर्म दे, धर्म सिखाए, धर्म की ओर ले जाए, और रास्ते में जो अड़चनों ने दूर करने के साधन बताए, वो धर्म पिता होते हैं। हम धर्म शब्द साथ साथ रखेंगे। कितना अच्छा शब्द था धर्मपति, और आज उड़ गया, आज ये शब्द निकल गया, धर्म गिरते जाए। जैसे मैंने अभी कहा था, एक कागज पे लेवी लगा के दो कागज जोड़ दिए गए, अब आप जुड़ जाते हैं वो खत्म हो गया, दिन ब दिन गंदी वृत्तियां बढ़ जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। पर आप तो अपने कल्याण करना चाहती है ना, इसलिए भगवान कहती है क्या, संवर्जिता हट जाए। अब ये दो कागज जुड़ गए हैं, हाँ अब आप इनको छुड़ाना चाहती है, तेरी कवि महापुरुषों ने बता दिया क्या करें, इन दोनों कागजों को लेकर के अंदर से धागा तोड़े, धागा तोड़कर जो दोनों कागज जुड़ गए हैं उनको अलग करें, अलग करके एक पतीला पानी से भरे है, और इन दोनों कागजों को जुड़े पड़े हैं पानी में डाल दे है, हाँ घड़ी देख करके तीन चार पांच मिनट के लिए रख दे, अब उन्हें निकाल ले, निकाल के धूप में रख दे, हाँ थोड़ी देर के बाद अब खोलो, ये कागज खुल जाएंगे, क्योंकि जिस गोद ने इनको जकड़ रखा था उस गोद में पानी ज्यादा पड़ गया है, जकड़ कम हो गई है। अगर कभी दो टिकटें आपस में जुड़ जाए पोस्ट स्टैम्प, तो ये फाड़ दोगे, ये पानी में डाल दो, धूप में रख दो, अलग हो जाएगी। जिस चीज ने जकड़ रखा था वो तो पानी उसको ढीला कर देता है। इस तरह जब हम जकड़ जाए और भक्ति का माना चाहते हैं, हाँ तो क्या होगा, क्या तो जो भक्ति का मतलब दिव्य प्रेम, जो भगवान का आप जाप करती हैं बार बार, तू ही तू मेरे मालिक, एक आप ही सत्य है, ये आपकी जकड़ को कम कर देगा।
हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मोह के जाल से। लेकिन बड़ी देर लगती है, फंस जाना तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। शायद एक ही रात में या एक ही दिन में आप बरसों का मोह ले लेंगे पति पत्नी के साथ, बरसों का मोह। लेकिन अब छूटने में कई दिन लग जाए, जो कुछ घंटों में इतने अटैचमेंट हो गई है, अब छोड़ने में कितने दिन चाहिए। ये प्रेम से भक्ति से आपका दोनों हटेंगे, जो जो मन प्रेम में लगेगा भगवान की ओर, तो आपके जो शरीर जकड़े पड़े थे वो छूटते जाएंगे। यही पिताजी के साथ, ये आपने देखना है कि आपका मन किन के साथ लगा हुआ है। तो आप समझ, भगवान मेरी तरह नहीं कह रहे थे हटो मरे निकलाओ बाहर, अब तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं निकलाओ। ये तो मेरे जैसों के लिए हुआ, कभी दिल का आजाद घर बार से, ये ना वाबस्तगी रिश्ताओं बंद से, ना घर से, ना धन से, ना फर्ज, ये तो मेरे लिए। आपके लिए क्या है? हाँ, रह रहे परिवार के अंदर लेकिन निर्मोही बन के रह रहे। मतलब निर्मोही का मतलब क्या होता है? जो कुछ मेरे घर में है मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण की अमानत है, वो नेक जीवो समझ लो। निर्मोल तो हम दोनों बनेंगे, मेरे जैसे बीच में से निकल के हो जाती है, आप जैसे बीच में, आपके लिए आसान है, मेरे जैसों के लिए बड़ा मुश्किल होता है बीच में से निकल आना। आपके लिए बीच में रहना है पर अपनी नहीं समझना। आय 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 आय, हमारे जैसे लंबी छलांगे मारती है, आप जैसे छोटी छोटी छलांगे मारेंगे। छलांग तो आपको ही मारनी पड़ेगी, लेकिन छोटी छलांग फिर छोटी छलांग, बल्कि शॉर्ट जंप, हमारे जैसे लॉन्ग जंप ले लेती है। अब जैसे शॉर्ट जंप है ही नहीं मेरे, रहो बीच में, लेकिन ये भावना बना के है मेरे भगवान के, मैंने आज भी छोड़ने और कल भी छोड़ने। ये तो मृत्यु लोक का नाम, इस लोक का क्या, मृत्यु लोक, ऊपर के देव लोग हमारे पैरों के नीचे है वो पताल लोग, और जो जिसमें मैं और आप रह रहे ये मृत्यु लोक है, जहां बार बार में मृत्यु जन्म हो, जन्म मृत्यु हो, उसको बोलते मृत्यु लोक, जिसमें बार बार यही तो हो रहा है, दिन रात यही हो रहा है। पुराने मरते जा रहे हैं, नए नए जन्म होते जा रहे हैं, अस्पतालों में देखो ना, पुराने मर के लाशें निकल रही हैं, हाँ नए नए पैदा होते जा रही हैं। ये रब ने क्या बना रखा है, ये मृत्यु लोक है, जन्मना मरना, जन्मना मरना मजाक बन के रह गया है। पुराने बुलबुले फूटते जा रहे हैं, नए नए बुलबुले बनते जा रहे हैं, ये तो होता रहेगा। इसलिए हम बार बार कहें मैंने छोड़ के चलाई जाना है, ये बार बार कही सताई है, मैं तो इसको छोड़, आज भी छोड़ा कल भी छोड़ा, मैंने छोड़ के चली जाऊंगी। तो जो कुछ मेरे पास है, पिताजी माताजी बहन भाई, ये आपकी तो बड़ा आसान है कहना, सारों को छोड़ के पत्नी बनी है कि नहीं, वो देखो, माँ को छोड़ के आई, बाप को छोड़ के आई, बहन को, भाइयों को, भरजाइयों को, 20-20 साल रह करके, हमारे वक्त जल्दी शादी हो जाती थी 16-17 साल के बाद, आपकी 20 साल के बाद, 22 साल के बाद वर नहीं मिलता। जो जो आप इतना पढ़ जाती हैं, इतना कमा ले जाती है, ऐसा वर कहां से मिले? वर भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, ऐसे ढूंढना, यानी योग्य वर आपके मुताबिक मिलना। इसलिए नारी को 20-20, 24-24 साल तक आपको मां बाप के पास रहना पड़ता है। इतने साल रह करके छोड़ छोड़ा के आ गई ना, एक बड़ी हैरानगी की बात है, इतने बरस रह करके छोड़ देना, और पराए घर में जिनका कुछ पता ही नहीं है, कैसे वहां मां बाप बहन भाई हैं या कैसे श्रीमान जी हैं, कितनी भारी खतरा मोड़ लेना, कुछ पता नहीं, जैसे मानो कुएं में पत्थर मारने हैं, ऐसे आप पत्थर मार के अपने आप को ले जाती हैं, क्या पता उनकी रहनी सहनी, उनके हाव भाव क्या है। इसे परमात्मा ने अजीब नियम बना रखा है, बड़ा अजीब नियम, शाबाश। ये तो दशरथ ने कितना वचन दिया था, जबकि जनक जैसे भी ब्रह्मज्ञानी रो पड़े सीता जी को विदा, और बरात ही नहीं भेजते, 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, 15, बरात तो भेजो, डोली तो भेज, नहीं भेजते, मेरी जान निकलती है, मेरा दिल नहीं करता, अपनी बेटी को, हालांकि बेटी सगी नहीं है, बेटी धरती से निकली है, लक्ष्मण की जो घरवाली थी वो इनकी सगी बेटी थी उर्मिला, सीता तो धरती से निकली है, लेकिन इतना मोह है कि सुने ना, जो मां बनी जनक की घरवाली धार धार रोती, नहीं मैंने, नहीं अभी नहीं भेजती, एक दिन आज रह जाओ, आज रह जाओ, आज रह जाओ। कितनी मुश्किल से सीता को भेजा, जबकि जनक ने कहा, अपने दशरथ ने कहा, इनको इस घर से भी ज्यादा सुख होगा। क्या दशरथ को पता था कि इसको मैं अपनी गंदी जबान से, गंदी पत्नी के गंदे वचन के द्वारा क्या
देश निकाला दे दूंगा। देश निकाला, जी हां, जो फूलों पे चलने वाली है वो कांटों पे चल के चीखे मारेगी, क्या हुआ, कांटा चला गया। जब वो चीखे मारती है, जरा रामायण पढ़ो, क्या हुआ, कांटा। कैसी भगवान निकालती है, कैसे लक्ष्मण निकालता है। और जाके वचन दे के आए हैं कि जरा भर भी आपकी बेटी को कष्ट नहीं होगा, इस नाते में भेज दो। क्या कह सकती है, क्या होना है, कितनी छलांगे मारती हो, कितना त्याग करके आती। अब परमात्मा के लिए भी तो त्याग करना पड़ेगा नारी को, जैसे उधर त्याग करके प्राय घर में आ गई हो, प्राय घर को अपना समझती हो, इसी तरह आप परमात्मा से प्यार करने के लिए भी वहां तो छोड़ना पड़ा, या छोड़ना कोई नहीं, मानसिक रूप में वहां छोड़ के जाना पड़ा, ए जी बाबा। और यहां छोड़ना नहीं, मानना है, भक्ति में मानना होता है। भक्ति में हमारे जैसे को ना लिया करो, हमारे जैसे बहुत थोड़ी होती है, ऐसे छोड़ छोड़ा के जंगलों में आ गए, पखंडी ना हो और सच्चाई के पुतले हो, और हमारा दृष्टांत ना लिया करो अपने को। भक्ति क्या है, छोड़ना नहीं, मानना है, हर पा हर पा। रब छुड़ाने के हक में नहीं है, हां रब तो मनाने के हक में है। हां तू कह मुझको परमेश्वर की, ये तो ले मेरी शरण, रहो जाओ रहना चाहता है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, करो जो चाहती हो, लेकिन मान के मेरे नहीं, मेरे रिश्ते के। या मानना है बेटी, घर बार छोड़ना नहीं, गली मले छोड़ना नहीं, मान लेना है मैं और ये मेरा, नॉट टू लीव, बोलू नॉट टू लीव बट टू बिलीव। गुरुदेव आपके शब्द कह रहा हूं, इनके मनो में बसा दो, नॉट टू लीव, भक्ति इज इक्वल टू नॉट टू लीव बट टू बिलीव। हमें त्यागना नहीं, सिर्फ विश्वास करना, नॉट टू लीव बट टू बिलीव। वाह वाह महापुरुष, वाह कितना आसान कर गए, कितना अपना अनुभव आ गया, नॉट टू लीव, यू हैव नॉट टू लीव बट टू बिलीव, सिर्फ बिलीव करना है। ये है, मैंने तो आज भी छोड़ जाना, कल छोड़, ये तो भगवान के हैं, शाबाश मेरी भगवती, शाबाश मैया बेटी बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों, यू हैव नॉट टू लीव, यू हैव टू बिलीव, बिलीव की ये सब कुछ मालिक है। मैं अगर आज भगवान जी मुझे बुला ले तो मुझे यही छोड़ के जाना होगा, बस ये भाव जिसने बना लिया भगवान की, तो भक्ति बढ़ गई। जिसने आपकी आसक्ति को छुड़वा दिया, और जो मन आसक्ति में लगा हुआ था, अटैचमेंट में था, वही मन भगवान में लग के भक्ति में लग गया, यहां की आसक्ति गई या इधर की भक्ति बढ़ गई, शाबाश। जितनी आसक्ति आप छोड़ते जाएंगे उतनी भक्ति बढ़ती जाएगी। अच्छा जी हाँ, चलिए मंदिर में, जरा अंदर चलिए, हाँ ये सारे बाथरूम है, 1 2 3 4 5 शेष है, 5-6 बाथरूम है, हाँ एक ही बड़ा पाइप उधर से चल रहा है ट्यूबवेल से, उसमें इतने बड़े पाइप में पानी आ रहा है, हाँ हर एक कमरे में टूटी लगी हुई है, तो सब 5-5 व्यक्ति बीच में नहा सकती हैं, नहाते जाओ, हाँ लेकिन अगर आप आखिरी बाथरूम में नहा रहे गए और इधर कोई भी नहीं नहा रहा, इतना जोर का पानी आएगा आपका। ये दृष्टांत मुझे स्वामी जी का बहुत अच्छा लगा, भगवती मुझे बहुत अच्छा लगा दृष्टांत। अगर इधर 4 व्यक्ति नहीं नहा रहे, टूटियां बंद है, तो आपका पूरा पानी इस आखिरी टूटी में आएगा। अगर आपकी मोह की शक्ति नहीं जा रही इनके अंदर, पूरी शक्ति मन की भगवान में लग जाएगी, फुल माइंड। पर अगर आसक्ति है तो वो भक्ति कम होती जाएगी। अगर पिछले 4 बाथरूम बंद है तो पूरा पानी आपकी टूटी में आएगा ना, नो डाउट, जोर का पानी गश करके आपके सिर पर और आपकी बॉडी पे गिरेगा। तो अगर सारे नहारे हैं तो फिर हिस्से वाला पानी इतना इतना आएगा आपके पास, शायद सिर में साबुन लगाया हुआ पूरा धुल ना सके, क्योंकि पानी हिस्से में आ रहा है ना। अगर अटैचमेंट के साथ, इसलिए रस्ती लोग तरक्की नहीं करते, अटैचमेंट के साथ पहले अटैचमेंट को मारते नहीं, अटैचमेंट को मुंह को खत्म नहीं करते, निर्मोह ही नहीं बनते, इसलिए थोड़ा बहुत कर लिया फिर रस भी नहीं आता, फिर आपका मन टूट जाता है इन बातों से। तो इधर भगवान कहते हैं, अगर भक्ति ठीक जा रही है, संग विवर्जिता, उनकी आसक्ति इनसे खत्म हो जाती है और मन पूरा भगवान में लग गया। ये अब आपने देखना है,
ये उपस्थित कल्याणकामी देवियों ने अपने आप को देखना है कि आसक्ति तो नहीं ना कहीं, आसक्ति नहीं तो भगवान के साथ बोलते हैं व्यास जी की अनुरक्ति। ये शब्द कितने प्यारे हैं, गई आसक्ति आई अनुरक्ति, अनुरक्ति मैंने दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम कब आया, गई आसक्ति हाँ, आई अनुरक्ति हाँ, उसके बाद क्या होता है, मिली फिर मुक्ति, फिर जी मुक्त हो गया, फिर जी भगवान के दर्शनों के योग्य होकर तल्लीन हो गया। तो देखिए भक्ति कहां गई, हाँ ये बिल्कुल अलग थलग। इस तरह आप लोग गृहस्थी में कमल के फूल की तरह निराले बन के रहेंगे अगर आपकी भक्ति बढ़ती जा रही है। तो ये क्या बता रहा हूं, गीता का भक्ति योग, यह गीता का भूलना नहीं, ये गीता का भक्ति योग है। हमें रामायण का भक्ति योग से कोई सरोकार नहीं, हमें भागवत पुराण की भक्ति योग से कोई सरोकार नहीं, हमें गीता के माध्यम से अपनी परमार्थ की उन्नति देख रहे हैं। हमारी परमार्थ की प्रगति गीता जी के द्वारा हो रही है। तो देखते रहिए आपकी अवस्था, कभी ना सोचना अपने परिवार को छोड़ देना है, अभी नहीं, नहीं मेरी बेटी, अपने आप ही बूर निकलता, अपने आप ही फूल और फल निकलता, रहो निराले बन के, बिल्कुल अलग थलग होके। अगर आप भक्ति ठीक कमा रही है तो अपने आप ही हो जाएगा, यदि मैं कहूंगा ऑटोमेटिकली, अगर ठीक चल रहे हैं तो, अगर आप ठीक गाड़ी के डब्बे में बैठे तो अपने आप ही पानी पास सोनी पास आएगी, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी का मुंह दिल्ली की ओर है और वाया करनाल आगे स्टेशन, ये पानीपत सोनीपत आती नेचुरल, तो नेचुरल ये अटैचमेंट खत्म होती है, आदमी निर्मोही हो जाता है जब भक्ति बढ़ती जाए, चूंकि भगवान की ओर मन लग के दिव्य प्रेम बन जाता है, और जो दूसरा प्रेम था स्वार्थ वाला वो खत्म होता जाता है। अब आपने देखना है, देखिए कि क्या कमाल का ये फरमान है, ग्यारहवें अध्याय का अंतिम 55 श्लोक, संग विवर्जिता। अब आप देख लो, अब की अवस्था बन रही है मेरी उपस्थित कल्याणकारी देवियां, अपने आप को देख लें, ये मेरी अवस्था बन रही है क्या, हाय हाय के बीच में रहती हूं मैं, निर्मोही हूं क्या, जो बिल्कुल निर्मोही बन गया ना, संसार का संकल्प विकल्प उनको नहीं आया ना, मेरी देवी ना संसार का उनको बिल्कुल छूते ही नहीं, जैसे शादी हो जाने के बाद फिर भी किसी पुरुष का ख्याल, अगर आपने खुशी से आपने शादी की है, मजबूर नहीं किया गया आपको इस घर के घराने के अंदर, फिर किसी पुरुष का ख्याल नहीं है, बस अगर आपने अपनी खुशी से उस घराने में शादी की है, फिर किसी और लड़की का ख्याल नहीं आएगा। हाँ जो बिल्कुल निर्मोही होकर के अपना मन भगवान में लगा चुकी है, संसार का फिर संकल्प कल्प नहीं आता। इसलिए हमारे इष्ट देव जी ने कहा है, ख्याल उसके बस, सारे विचार आपके वश में हो गए और सारा मन अपने मालिक में लग गया, बस आप बिल्कुल भगवान के द्वार पर पहुंच जाए। जब ये अवस्था बनी तो बिल्कुल भगवान के द्वार पर है, अब सिर्फ खटखटाना है और दरवाजा खुलेगा। देखते जाइए आपकी भक्ति का ऐसा विकास हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया, मोस्ट साइंटिफिकली, मोस्ट सिस्टमेटिकली, कितने अच्छे ढंग से भगवान जी समझाए जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, जैसे किसी वृक्ष का विकास होता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ये देख कितना अच्छा स्टेप आ गया, इसके बाद एक और स्टेप है और भगवान की जात में तलीन है। अब एक लास्ट स्टेप और है, उससे पहले लास्ट बट वन ये हो जाता है कि आदमी निर्मोही हो जाता है। निर्मोही का अर्थ कुछ लगा के अनर्थ ना करना, रहो जा मेरे मालिक ने आपको रखा है, भगवान ने आपको स्पष्ट कहा है, रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में जिस तरह रखे भगवान रहो, लेकिन मन आपका क्या अलग थलग होकर रहेगा। कमल कहीं चला नहीं गया कीचड़ को छोड़ के, है उसके नीचे कीचड़ लेकिन है अलग अलग, है बिल्कुल निराले। आप पत्नी का पार्ट निभाएंगे, माँ का पार्ट निभाएंगे, वो तो ये कहती है कि इतना खाओ जितना के शरीर के लिए जरूरी है, इतना व्यवहार करो इतना जरूरी है, मुनासा भी सो मुनासा भी जाग। भगवान तो मीडियम पाथ बता रहे हैं, वो जो बातें हमने गपशप थी उस गपशप है, बकवास थी। भगवान तो ये कह रहे हैं इतना अभ्यास करो कि शरीर चूर ना हो जाए, आज इतना जाप करो कि कल भी इतना कर सको। गीता किस तौर क्या करे आपको, बहुत खाने वाला भी पाए ना योग, बहुत जागने से भी आए ना योग, भूखों मरने से भी पाए ना योग, कितना स्पष्ट कर रहे।
आए ना योग, इतना करो आज आपके मैंने घंटा, कल भी घंटा करूंगा, आज आधा घंटा के कल भी, ये नहीं कि आज आधा घंटा दो दिन के बाद फिर करूं, गलत हो गया, या आज मैं डेढ़ घंटा किया कल आधा घंटा, गलत, मैं आज इतना करूं जितना कल निभ जाए, जितना कल पर कह रही है, इतना संसार को टाइम दो बस जो वाजिब है कल भी उतना ही दे दो, रिश्तेदारी इतनी निभाओ जो आप निभा भी सके, जो आप दो दिन के बाद तंग ना आ जाए, शाबाश, मेहमान के साथ इतना सलूक करो कि अगर चार दिन ज्यादा भी रह जाए हमें बिल्कुल महसूस ना होने पाए, मां दी पांच पांच सब्जियां बना बैठी है, साथ खीर साथ हलवे, ये दो दिन भी नहीं करोगी आप तंग आ जाओगी, उल्टा पूछोगी क्या, यूं तो नहीं कहोगे घर से आप कब जाना है, श्रीमान जी आपको प्रोग्राम क्या है, मतलब क्या है, कब निकलना चाहिए, फिर ये हम क्यों पूछेंगे श्रीमान जी आपको प्रोग्राम क्या है, पहले ऐसा बना लो कि हमें हम तंग ही ना हो, ये भगवान जी कह रहे हैं, पहले इतना जाप करो कि कल हम तंग ना, घड़ी ना देखे बार बार, अरे बाज घंटा गुजरे नहीं, तो फिर ये कोई टलाने वाली बात है तो नहीं ना, तो भगवान नाराज होंगे, हम इतना ही समय दें आज जितना आप कल परसों लगातार चला सके, ऐसा बात देख लो मेरी देवियों, भक्ति किस तरह विकास करती है, भगवान कैसे सुव्यवस्थित रूप से बताए जा रहे हैं, कैसे वैज्ञानिक रूप से आपको बता रहे हैं किस तरह भक्ति बढ़ जाए, इसलिए तो मेरे जैसे लट्टू हो गया गीता के ऊपर कि कैसे शानदार लोक परलोक बनाना भगवान जी, अगर भगवान ने हमें पैदा किया तो साथ ही हमारी हमें अपनी जिंदगी की गाइड भी दे दी, ये हमारी गीता लाइफ गाइड है, जैसे हमने यूनिवर्सिटी के एग्जाम दिए हैं गाइडे पढ़ पढ़ करके तैयारी की इम्तिहान की, ये भी हमारी जिंदगी की रहनुमा है, गीता रहनुमाए जिंदगी, ये हमारी लाइफ गाइड, अब इंग्लिश गाइड थी या आपकी फिजिक्स गाइड थी, केमिस्ट्री गाइड थी, ये क्या है लाइफ गाइड, ये हमारी जीवन की गाइड है, इस तरह हम बनाते जाए लोक भी बन जाएगा परलोक भी बन जाएगा, समझियो मेरे देवियो मेरे सज्जनो, गीता का भक्ति योग मुबारक, और हमारे लिए तो खास करके बहुत कल्याणकारी, गीता का भक्ति योग मुबारक, गीता का भक्ति योग मुबारक, हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है, बहुत ही कल्याणकारी, जो क्या भक्ति के माध्यम से अपना परमार्थ बनाते चले जा रही है, परमात्मा करे जिस तरह प्रभु अपने श्रीमुख से बता रहे हैं इसी तरह हमारा मन भी ढलता जाए बनता जाए, इसी तरह भगवान का ये भक्ति का रंग गूढ़ा चढ़ जाए, उतरे ना फिर, क्योंकि जिंदगी के दिन अब थोड़े अब बड़ी बात में संभले, हमारे अच्छे दिन अब आए हैं जिससे हम अपना परलोक बनाने का में लग गए, इसलिए जो बात सुनिए मानिए और अपना लीजिए, गीता का भक्ति योग, गीता का भक्ति योग, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपने शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे, दास जनों के अवगुण का।
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्याला हे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चि दुर्भावने। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की, गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।